आज बीजेपी कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह समिति की बैठक हुई। सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री सहित पदाधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी के अवसर पर कई विषयों पर संवाद व्याख्यान माला आयोजित किए जाएंगे। 20 से 30 जनवरी के बीच बूथ विस्तार और डिजिटलीकरण के लिए काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। 9000 बूथों पर 18000 कार्यकर्ता काम करेंगे। पूरी भाजपा बूथों पर काम करने के लिए तैयार है। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी समारोह समिति की आज की बैठक में मुख्य तौर पर सभी के सुझावों के आधार पर जो पहले भी हमने जिसकी तैयारी की है, आज उन्हीं सारी बातों को कि संगठन का जो हमारा इस वर्ष जो वर्ष है संगठन पर्व का वर्ष होगा, कार्य विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण के साथ साथ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम अन्य प्रकार के जो विषय हैं उन सारे विषयों पर और संभाग केंद्रों पर व्याख्यान वालाएं, उसमें समाज के आज के समयानुकूल जो ऐसे इश्यूज हैं उन सारे मुद्दों पर व्याख्यान मालाएं आयोजित करेंगे। संभाग और जिलों की समारोह समिति की हमारी अलग से समितियां बनेंगी और समर्पण निधि, जिसकी एक हमने बड़ा महत्वपूर्ण इस बार लक्ष्य लिया है कि भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि के माध्यम से प्रत्येक बूथ पर सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के समाज के सहयोग से एक अपने संगठन के काम के लिए एक विस्तृत योजना बनाकर हम उसको भी कार्य रूप में परिणत करेंगे। कुल मिलाकर के 20,000 कार्यकर्ता विस्तारक की भूमिका में होंगे और प्रत्येक बूथ पर जाकर के डिजिटल बूथ बनाने का जो हमारा अभियान है इसको एक, और उसमें कई प्रकार के काम है, वो सारे कामों का उल्लेख नहीं हो सकता। हर बूथ पर 10 प्रकार के काम, एक दिन एक कार्यकर्ता बूथ पर रहेगा, जैसे मैं भी रहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री भी रहेंगे, हमारे सभी अन्य प्रमुख कार्यकर्ता भी रहेंगे। हर बूथ पर हर कार्यकर्ता 20 से 30 पूरी भाजपा बूथों पर।